हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब प्लेटफॉर्म वीके लर्निंग हब। होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है विकास और आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों, रिसेंटली BSF की तरफ से दोस्तों यहां पर जॉब वैकेंसीज निकाली गई है। स्वागत तो करो हमारा। अगर आपकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो अंत तक देखें क्योंकि हम यहाँ पर कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखने वाले हैं और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। यहाँ पर जितना भी फिजिकल स्टैंडर्ड से लेकर आपका एग्जाम पैटर्न से लेकर जो भी डिटेल्स होंगी उन सभी को यहाँ पर कवर करेंगे वन बाई वन। और अगर आप इस वैकेंसी में एलिजिबल नहीं है तो भी डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही और रेगुलर अपडेट्स लाते रहते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। एंड आप दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक देकर एंड शेयर करके अपने फ्रेंड्स में हमारे काम में थोड़ी सी हेल्प भी कर सकते हैं, ताकि यह इंपॉर्टेंट अपडेट उन सभी फ्रेंड्स तक पहुंच सके जो इस पोस्ट के रेलेवेंट हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन। सो प्लीज सबर कर वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। और ऐसा करके आप हमारी YouTube फैमिली को बढ़ाने में ये छोटा सा योगदान दे सकते हैं जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हम यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, BSF.government.in। यहाँ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। यहाँ तक पहुँचने का कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। एंड यहाँ पर जैसे कि आप देख पाएंगे, जैसे ही आप अनाउंसमेंट सेक्शन में जाते हैं, इसकी ऑफिशियल जो फ्रंट पेज है उसी पर अनाउंसमेंट सेक्शन में जाते हैं, वहाँ पर आपको PDF मिलेगी जो अभी हाल ही में जारी हुई है 22 अप्रैल 2022 को दोस्तों। और अभी इसके फॉर्म फिल शुरू भी नहीं हुए हैं, कल से इसके फॉर्म फिल शुरू होंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये पूरा नोटिस आया है। ऑनलाइन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ग्रुप बी में आप काउंट किए जाओगे। BSF की तरफ से यहाँ पर इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट निकाली गई है। ऑनलाइन डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट है ये पूरा दोस्तों BSF वेबसाइट। एंड ये जो पूरा ऑफिशियली नोटिस है इसको यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख लेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी बताया गया है कि 25/4/2022 से आपके फॉर्म फिल भरना शुरू होंगे और 8/6/2022, मतलब काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर टाइम आपको दिया गया है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं, आइए देखते हैं। इसी के नीचे आप जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जिसके अंदर आता है। एंड यहाँ पर दोस्तों ग्रुप बी जो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उनकी तरफ से यहाँ पर इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई है। तो ये पूरा ऑफिशियल वैकेंसी डिटेल्स हैं, एक बार आइए चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंस्टा जो इंस्पेक्टर है दोस्तों उसमें आर्किटेक्ट यहाँ पर मांगा गया है, अनरिजर्व्ड की सिर्फ एक ही यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पे मैट्रिक्स आपका काफी अच्छा लेवल 7 पर है। अगर आप इनसे रेलेवेंट है तो इस पर जरूर से अप्लाई करें। सब इंस्पेक्टर वर्क के लिए है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जूनियर इंजीनियर या फिर सब इंस्पेक्टर, आपका 2 स्टार आपको यहाँ पर दिए जाएंगे दोस्तों इलेक्ट्रिकल के लिए। इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर ये पोस्ट आई है दोस्तों, देख सकते हैं अनरिजर्व्ड में 16 नंबर ऑफ सीट है, EWS की 4 है। और यहाँ पर ये पूरा ऑल ऑफ इंडिया जो है अप्लीकेबल है दोस्तों, कोई किसी स्टेट से रिलेटेड नहीं करता है। एंड पे मैट्रिक्स काफी अच्छा है, लेवल 6 आपको 35,400 बेसिक रहने वाला है 7th CBC के अकॉर्डिंग। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 32 हैं, बाकी आप अपने कास्ट के वाइज या जो भी आपके अपने कैटेगरी वाइज इसमें देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर पूरा वैकेंसी डिटेल यहां पर इन्होंने दे रखा है, तो ये पूरा है। एंड इसके बारे में कंप्लीट इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों डिटेल में। आइए चलते हैं और क्या इंपॉर्टेंट इसमें दिया गया है, कैसे आप अप्लाई करेंगे, कैसे आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर नोट करेंगे दोस्तों, रिक्रूटमेंट जो है आपकी .bsf.government.in पर आपको इसकी वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से लॉगिन करना है पासवर्ड। एंड आपकी प्रोफाइल बनाई जाएगी, वहाँ पर आपको फिर लॉगिन करके रजिस्टर कर लेना है। एंड नेशनल कैंडिडेट जो है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एंड दिस जो आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन के कौन कौन से इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं वो आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है उस पर हम एक बार चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपकी क्या रहेंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इंस्पेक्टर की बात करें तो बिलो 30 ईयर्स दोस्तों, और सेम जो है ये आपकी एज क्राइटेरिया दिया गया है तो 30 साल से आपके नीचे ही होने चाहिए। एंड यहाँ पर साफ बोला गया है ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये इसके क्लोजिंग डेट से पहले आप 30 साल के तक ही जो है अगर हैं तो एप्लीकेबल है, जूनियर इंजीनियर से लेकर इंस्पेक्टर सभी के लिए। तो ये पूरा जो है एज क्राइटेरिया दिया गया है, बाकी रिलैक्सेशन एज के अकॉर्डिंग जो भी होता है दोस्तों अपर एज, वो आपकी कैटेगरी वाइज है, वो आप उसके बारे में आप सभी को जानकारी होगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, जैसे SC/ST के लिए 5 साल का होता है, OBC के लिए 3 साल का वगैरह वगैरह, तो वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरा नोटिस है एंड यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उनको आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है। तो ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आपको यहाँ पर साइट पर मिलेगा। इस तक जाने का लिंक कैसे अप्लाई करेंगे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी एजुकेशनल, अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इंस्पेक्टर अगर आपको लगना है दोस्तों तो उसके लिए डिग्री इन आर्किटेक्ट चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे जूनियर इंजीनियर की जो इलेक्ट्रिकल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा जरूरी है, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम इंस्टीट्यूट, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। तो इलेक्ट्रिकल से अगर आप एलिजिबल हैं या फिर आपको सब इंस्पेक्टर वर्क में बनना है तो उसके लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तो भी आप इसमें एप्लीकेबल हैं। ये पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, SI या फिर आप बोले JEE इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को जरूर से ध्यान में देंगे। अब इसके अलावा दोस्तों BSF की है, आपको पता है आर्मी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपका कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगा जाएगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका जो PST होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बोला गया है, जो आपकी हाइट है दोस्तों वो यहाँ पर जनरल के लिए जैसे मेल कैंडिडेट्स की बोली गई है वो 165 सेंटीमीटर जो है मिनिमम है, एंड यहाँ पर फीमेल्स की 157 है। वेट के बारे में आप देख सकते हैं
हैं। तो ये सभी जो है मिनिमम क्राइटेरिया है जो यहाँ पर दिया गया है, इस चीज़ को आप जरूर से नोट कर लेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पर दिया गया है, सेम ऐसे ही सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंजीनियर के लिए है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड लगभग सेम है, 76 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, एक्सपेंड करके 81 होनी चाहिए, 5 का एक्सपेंड मांगते हैं वो नॉर्मल है। इन चीज़ों को से आप जरूर से जानकारी होंगी। एंड मेडिकल स्टैंडर्ड आपको दिया गया है तो काफ़ी ये अच्छे लेवल पर आपका मेडिकल होता है, तो 6x6 जो है बेटर आइज आपके लिए मानी जाएंगी, इस चीज़ को भी ध्यान में रख लेना है। एंड टैटू वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो बाकी सब आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग अगर आप इंटरेस्टेड हैं। नेक्स्ट यहाँ पर किस तरह से आपका पेपर दिया जाएगा, तो ये जो पेपर है दोस्तों ये पैटर्न सा दिया गया है, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे आप एक बार ब्रीफ में देख लेंगे कि पार्ट टाइम में जैसे जनरल इंग्लिश आपको मिलेगी, जीके अवेयरनेस रीजनिंग सब मिलेगा, टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे, तो ये 2 घंटे का पेपर होगा। ये सब जो है इंस्पेक्टर का दिया गया है, हम अपने अकॉर्डिंग भी बात करेंगे। सिलेबस ऑफ जो टेक्निकल सब्जेक्ट है दोस्तों, टेक्निकल सब्जेक्ट जो आर्किटेक्ट जो सिविल वाले हैं उनके अकॉर्डिंग ये पूरा डिटेल सिलेबस दिया गया है, इसको आप जरूर से नोट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो जेई का है दोस्तों, तो क्वालिफिकेशन मार्क्स ऑफ रिटन एग्जाम जो है यहाँ पर एक और चीज़ नोट करेंगे, जो आपका जनरल की क्वालिफिकेशन जो मार्क्स होंगे नॉर्मल अगर हम बात करें दोस्तों, आपका 50% यहाँ पर लिया लग जाएगा। एंड लगभग जो है 20% आपका 20 मल्टीपल्स जो है आपका वैकेंसी से सेकंड फेज के लिए या फिर टायर 2 के लिए बुलाए जाएंगे। सेकंड फेज एग्जामिनेशन भी आपका यहाँ पर होगा, उसके बारे में भी यहाँ पर इन्होंने खास कर जो है पूरा बताया गया है, तो उसको भी आप यहाँ पर रीड करेंगे। बाकी हम डिटेल में अभी देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। यहाँ पर काफी कुछ जो है स्टेज में आपका सिलेक्शन होने वाला है, इस चीज़ को जरूर से ध्यान में देंगे। जैसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये पूरा जो है इंस्पेक्टर के लिए दिया गया है, इस चीज़ को आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं दोस्तों सेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहने वाला है कंप्लीट डिटेल में। एंड यहाँ पर पोस्ट ऑफ SI या फिर हम JEE की बात करें इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल के लिए वर्क, तो यहाँ पर आप नोट करेंगे जो फेज 1 होगा आपका फर्स्ट फेज, उसमें आपका रिटन एग्जाम होगा जो ऑब्जेक्टिव होगा पूरी तरह से, आप यहाँ पर देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। एंड साथ ही आप देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, और 25 के ही आपकी GK आएगी, और यहाँ पर 50 जो होंगे वो आपका इलेक्ट्रिकल या सिविल से है तो रेलिवेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 90 मिनट्स आपको दी जाएंगी, इस चीज़ को आप जरूर से ध्यान देंगे। एग्जाम पैटर्न होने वाला है, एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में जैसा कि हमने ऊपर दिखाई दिया है, सिविल के लिए सिविल का जो भी होता है और ऐसे इलेक्ट्रिकल का आगे आएगा तो उसको भी हम यहाँ पर देख लेंगे। नेक्स्ट अगर क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया गया है, तो पेपर 1 आपका पूरा कंप्लीट होगा। अब पेपर 1 के लिए जो सिलेबस है वो इन्होंने काफी अच्छे से दिया है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से रीड करें तो यहाँ पर देख पाएंगे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में आपको क्या कुछ आएगा एंड यहाँ पर GK में आपको क्या मिलेगा। अगर आपकी पोस्ट स्पेसिफिक है तो इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल का आएगा एंड सिविल से है तो सिविल का आएगा। नाउ यहाँ पर इन्होंने दिया गया है दोस्तों पोस्ट ऑफ SI JEE जो इलेक्ट्रिकल सेकंड पेपर होगा दोस्तों, उसके लिए भी यहाँ पर दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे 2 घंटे का पेपर होगा जो आपका टायर 2 होगा SI के लिए यहाँ पर है, और JEE SI के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर हम इस पर बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे जनरल इंजीनियर के आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, मतलब 12 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 10 करने हैं, 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे होंगे, तो ये आपका पूरा कन्वेंशनल पेपर होगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा इसमें। एंड उसके बाद आपका जाकर कहीं फिजिकल होगा, तो यहाँ पर आपको जो तैयारी करनी है वो आपका स्टेज वाइज करनी है एंड काफ़ी अच्छे से करनी होगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा और लेंथी जो है प्रोसेस एक तरह से यहाँ पर रहने वाला है। स्टैंडर्ड एंड सिलेबस फॉर एग्जाम 2 पेपर 2 के लिए यहाँ पर जो सिलेबस रहेगा वो सिविल वालों के लिए यहाँ पर दिया गया है, इसी तरह से आप इसे पूरा डिटेल में रीड कर सकते हैं दोस्तों क्या कुछ इसमें सिलेबस है। इसी तरह हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो जो भी आपका सिलेबस है वो नॉर्मली SSC JEE जो होता है, किसी भी JEE एग्जाम के अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो इतने तो आप जानकार होंगे कि क्या कुछ सिलेबस नॉर्मली हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, उन सभी सिलेबस की यहाँ पर चर्चा की गई है। एंड बाकी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका क्वालिफाइंग मार्क्स आते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया आपको जनरल के लिए 50% माने गए हैं, ये बाकी आपका पता है कि कट ऑफ पर बात जाती है। सेकंड फेज के लिए जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका कन्वेंशनल होगा जैसे कि मैंने बता दिया है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड में सिर्फ आपका नाप तोल ही नहीं है दोस्तों, उसके अलावा भी है, वो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो ये भी होगा। एंड इस चीज़ को ध्यान रख लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी तैयारी आपको अभी से तो नहीं करनी, लेकिन आप पहले टायर 1 देंगे, टायर 2 जब देंगे और आपको कॉन्फिडेंस हो कि आपका क्लियर हो सकता है तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी रनिंग है मेल्स के लिए वो 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में है, एंड इसी तरह फीमेल्स के लिए 800 मीटर 5 मिनट में है। हाई जंप दिया गया है 3.5 फीट का, और लॉन्ग जंप है 11 फीट का, इन सभी में आपको 3-3 चांस भी दिए जाएंगे, तो इस तरीके से आप जो है तैयारी कर सकते हैं। इसी ये पूरा जो है पैटर्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी जैसे कि मैंने आपको बता दिया पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो आप इसे साइट से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका थर्ड फेज में, जैसे कि मैंने बता दिया आपका एक ट्रेड टेस्ट मतलब फिजिकल टेस्ट भी होगा, उसमें आपको नॉर्मली जानकारी या नॉलेज आपका हो सकता है, उसमें मेडिकल टेस्ट भी आएगा, सब कुछ आएगा, तो थर्ड फेज एग्जामिनेशन होगा। एंड इसी तरह से आपका जो है पूरा सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो ये पूरा प्रोसेस था। एंड मेरिट लिस्ट पर आपका सिलेक्शन होगा, कैसे अप्लाई करना है वो आपको यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता दूँ, आज है 24 तारीख दोस्तों, और 25 या मतलब कल से इसका जो है दोस्तों आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो जाएंगे, तो कल से आप अप्लाई कर पाएंगे एंड 8/6/2022 तक इसमें आप अप्लीकेबल रहेंगे, तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर टाइम दिया गया है, आराम से इसे फॉर्म फिल कर लीजिएगा, ज़्यादा इसमें फीस होती नहीं है दोस्तों। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जनरल के लिए 200 रुपये जो है यहाँ पर फीस रहने वाली है, बाकी आप अपने रेलिवेंट यहाँ पर देख सकते हैं। फीमेल्स के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है शायद, हाँ फीमेल्स के लिए कोई फीस नहीं है, तो 200 रुपये की फीस है, इस चीज़ को भी आप जरूर से ध्यान रखें। काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज है तो इसे जरूर से अप्लाई करें, काफ़ी अच्छा यहाँ पर मौका रहने वाला है। रिक्रूटमेंट सेंटर आपके कौन कौन से रहेंगे, तो पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर दिया गया है दिल्ली में, और बाकी इलेक्ट्रिकल और जो सिविल के SI या JEE बोल लो इनके लिए दोस्तों ये सेंटर रहने वाला है, गुवाहाटी है, कदम ताला है, दिल्ली है, जोधपुर है, बाकी अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा जब भी फॉर्म फिल करेंगे।
कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इन चीज़ों को आप रीड कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पूरा ऑफिशियल नोटिस है एंड ये पूरी जो है इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों recruitment.bsf.government.in जो है इसकी यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है। तो यहाँ पर गाइज ये था पूरा इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन था आप सभी के लिए बीएसएफ की तरफ से, सब इंस्पेक्टर और जेई के लिए जो पोस्ट निकली है, काफ़ी नंबर ऑफ पोस्ट हैं एंड काफ़ी अच्छा आपका पे स्केल रहने वाला है। तो एक चीज़ नोट करेंगे, प्रीवियस ईयर जरूर से लगाएंगे और उसके लिए आप हमारी वीडियोज़ जो अपलोड हो रखी हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की वो देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट है दोस्तों। अगर आपको कोई भी जेई का प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए हो, अगर आप इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर रहे हैं या कर चुके हैं और अप्लीकेबल हैं इन पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर यही बताना था। और पूरे मंथ की जो करंट अफेयर वीडियोज़ अपलोड होती हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं दोस्तों किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर, तो आप जरूर से एक वीडियो देखेंगे तो आपको जरूर समझ आएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहां पर एग्जाम में देखने को मिलेंगे वहां से भी, तो उसके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट है। तो रेगुलर मंथली करंट अफेयर यहां पर आप देख सकते हैं, वीके लर्निंग हब्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो यही एक छोटी सी अपडेट थी जो आप सभी को देनी थी दोस्तों। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, फिर भी कोई डाउट या फिर आपका क्वेश्चन हो तो इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बाइलिंगुअल मंथली करंट अफेयर वीडियोस एंड अदर यूजफुल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर करें। तो चलिए गाइस मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।